हेलो गाइस, तो ये है वर्ल्ड कप 2023 का मेरा पहला वीडियो। ये है अब तक की अपडेट के बारे में, क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है 5 अक्टूबर से। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अभी इस सीरीज़ को चालू करूं, तो मैंने ये शुरू किया है और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि मैंने बताया कि जो वर्ल्ड कप है वो 5 अक्टूबर से शुरू होने वाला है और इंडिया का जो पहला मैच है वो है 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो इस मैच का सभी को इंतज़ार है और मुझे भी बहुत इंतज़ार है, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छी टीम है, टॉप 4 में भी दिख रही हैं। तो इनका जो मैच होगा वो तो बहुत ज़्यादा ही धमाकेदार होने ही वाला है। तो अभी तक की जो अपडेट है, जो टॉप 10 टीम्स हैं वही खेलेंगी जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं, उसमें से अभी 8 टीम्स तो हो गई हैं फाइनलाइज। तो वो कौन कौन सी 8 टीम है ये मैं आपको बता देती हूँ। पहली तो नो डाउट इंडिया ही है, सेकेंड टीम आपकी है अफगानिस्तान, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ है इंग्लैंड, फिफ्थ है बांग्लादेश, सिक्स्थ है न्यूजीलैंड, सेवन्थ है पाकिस्तान और 8th है साउथ अफ्रीका। तो ये तो है 8 टीम जो कि फाइनलाइज हो चुकी हैं और अभी भी क्वालिफायर्स मैच चल रहे हैं, जिसमें से हमें मिलेंगी जो 2 टीम बची हुई हैं वो मिलेंगी। तो अभी जो 6 टीम बची हुई हैं जो खेल रही हैं क्वालिफायर्स के लिए, वो हैं श्रीलंका, जिम्बाब्वे, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड्स, वेस्ट इंडीज़, ओमान। इनमें से जो मुझे लग रही हैं जाती हुई ये इस टॉप 10 में, वो मुझे लग रही हैं श्रीलंका और जिम्बाब्वे। आपको कौन सी लग रही हैं ये आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। इस बार का जो वर्ल्ड कप है उसमें एक जो मेजर चेंज है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आपने जो लास्ट टाइम जो आपने वर्ल्ड कप देखे होंगे उसमें क्या होता था कि ग्रुप ए में कुछ टीम्स होती थी और ग्रुप बी में टीम्स होती थी। ग्रुप ए के मैचेस होते थे और ग्रुप बी के मैचेस होते थे और जो ग्रुप ए की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम आती थी निकल के और जो ग्रुप बी की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम आती थी वो आपस में फिर उनके जो मैचेस होते थे फाइनल्स के लिए, सेमीफाइनल्स के लिए, इस तरीके से चलता था। लेकिन अभी जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल चेंज कर दिया है, जिससे सबको मौका मिले फेयर। टॉप 10 जो टीम्स होंगी उनको इक्वली मौका देने के लिए जो रूल बना है वो राउंड रॉबिन जो टेबल रहता है कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर आया है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी टीम्स हैं, एवरी टीम जो है वो 9 मैचेस खेलेगी, क्योंकि 10 टीम है टोटल। तो जो आपकी एक टीम है वो जो अदर 9 टीम्स हैं उनके संग मैचेस खेलेगी। इसीलिए अब सबको फेयर चांस मिलेगा अपनी पोटेंशियल को साबित करने का, अपनी वर्ल्ड कप में की ट्रॉफी को घर लेके जाने के लिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इन्होंने इस बार चेंज किया है और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इससे क्या होगा कि ये नहीं होगा कि किसी टीम को ये लगेगा कि हमें तो भाई इस टीम से खेलने का मौका नहीं मिला और हम तो इससे बेटर परफॉर्मर थे, तो ये चीज़ इसमें नहीं होगी। तो राउंड रॉबिन में यही होगा आपका। जैसे ये कॉन्सेप्ट आपको पता है या नहीं पता है मैं बता देती हूँ। राउंड रॉबिन का मतलब यही है कि जो टेबल है वो रोटेट कर रही है और एवरी टाइम क्या है आपको मैचेस खेलने हैं हर एक के साथ। तो ये चीज़ है। तो 9 मैचेस हर टीम खेलेंगी और उसके बाद जो भी जो टॉप परफॉर्मर जो टीम्स होंगी उनके बीच में होंगे आपके फाइनल्स और सेमीफाइनल्स जो भी रहते हैं। तो ये ही इस बार चेंजेस जो हैं लाए गए हैं। तो अभी के जो टीम है टॉप 10 जो मुझे दिख रही हैं उसके अकॉर्डिंग मैं ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे टॉप 4 में कौन सी नज़र आ रही हैं। सबसे पहले तो इंडिया ही है, क्योंकि इंडिया तो हमारी टीम है और इस बार हम लोग को लग भी रहा है कि वो वर्ल्ड कप लेकर जाएगी। सेकेंड लग रही है कि पाकिस्तान भी हो सकती है जो टॉप 4 में आए। थर्ड ऑस्ट्रेलिया और फोर्थ इंग्लैंड, जो लग रहा है मुझे इस बार की जो स्ट्रांगेस्ट टीम है ये 4 निकल के आ सकती हैं। आप लोगों को क्या लगता है वो आप शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में मेरे से, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और बस मेरा तो यही कहना है कि इस बार का जो वर्ल्ड कप है सबको देखना चाहिए। एक तो ये भी पॉइंट है कि इंडिया का इसमें दावेदारी लग रही है, इस बार इंडिया वर्ल्ड कप लेकर आएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा इंतज़ार हम लोगों को करना पड़ा है जो लास्ट वर्ल्ड कप आया है उससे अब तक। और नेक्स्ट यही है कि ये जो मैचेस हैं इस बार इंडिया में हो रहे हैं, तो इस बार का जो जोश है, जुनून है, वो कुछ अलग ही है वर्ल्ड कप को लेकर। तो यही था अभी तक का अपडेट जो भी मेरे पास था, और जैसे ही कुछ नेक्स्ट अपडेट आता है उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। अगर आपके माइंड में भी कोई टॉपिक हो तो आप भी शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए मैं वीडियोज़ लाती रहूँगी आपके लिए।
और अगर आप भी किसी कॉन्सेप्ट पे या फिर किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।